आज का हमारा नाश्ता दाल के भिगोड़े। इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं डालनी, हमारी दाल भी काफी सारी है ना। और इधर हमारा बनना है पकौड़े। ये हमारी देवरानी, जिससे आप पहले वीडियो में मिल चुके होंगे। तो आज का ब्रेकफास्ट है हमारा ये, उसके बाद हम लोग लंच की तैयारी करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है दीपावली और आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विश यू हैप्पी दिवाली ऑल माई सब्सक्राइबर। और बस यही होप करती हूँ कि सब लोगों के यहाँ अच्छी अच्छी दिवाली हो और किसी का कोई भी हादसा ना हो किसी भी प्रकार का। और सब लोग सेफ्टी से पटाखे चलाएं, खासकर बच्चों के लिए थोड़ी सी सेफ्टी रखें। वैसे पटाखे ना चलाएं जिससे कि बच्चे जल सकते हैं। मैंने भी इसीलिए ना सारे आसमान वाले पटाखे मंगाए, मतलब ऐसा नहीं मंगाया कि मतलब बहुत तेज जिससे आवाज़ होती है बच्चे डर जाते हैं। तो मैं इनका आसमान में जो ऊपर जाते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, ताकि बच्चे ऊपर ऐसा करके देखें तो मतलब कि डरे ना। तो और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, आज बनाए थे मूंग की दाल के पकौड़े जो कि सबको पसंद है हमारे घर में, उसके साथ ही चटनी सॉस। तो हम लोगों ने वही ब्रेकफास्ट किया। अब बनेगा हमारे यहाँ आलू मेथी की सब्ज़ी, एक सब्ज़ी बनेगी। रायता वगैरह, दही वड़े, ये सब दही की कोई चीज़ नहीं बनेगी क्योंकि सबको जुकाम हो घर में, तो इसलिए अब हम लोग कुछ दही वाली डिशेज़ नहीं बना पाएंगे इस बार। तो दिन में सब्जी पूड़ी बनेगी और शाम को बनेगी कचौड़ी। इनको दिखा दो कैसे पहनती हो, ये वाला दिखा दो पहन के। इतना तो जानती होगी कि पहनते हैं, आरब कब से पहने घूमता है। हम कर रहे हैं पूरा बना दे। तो ये हो रही है हमारी शाम की पूजा की तैयारी, बत्ती वगैरह बना के रख देंगे। अरे 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 ऐसे करो, इसका ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर दो, क्लैपिंग कर दो। और अब कैसे करें? हम ऐसे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला। और तो ये बन रही है मेरी रंगोली। अभी जब बन जाएगी तब आप फाइनल लुक इसको देखेंगे। मेरी रंगोली ऐसी बनी है, थोड़ी सी बिगड़ गई है, मैं बना कुछ और रही थी, बन कुछ और गया। और ये है हमारी हवन सामग्री। हमारे यहाँ थोड़ा सा हवन भी होता है दिवाली वाले दिन, साल में एक बार हवन हो जाता है, तो उससे घर की जो है वो शुद्धि हो जाती है। हीरा कपूर इसमें डाली है मैंने, और लौंग वगैरह, ये पता नहीं क्या होता है, ये भी डाला है, ये धूपबत्ती, ये सारा सामान जो है ये एक प्लेट में मैंने खीले और ये निकाल लिया। ये है रोली के पैकेट। और हमारे यहाँ सबको कलावा भी बांधा जाता है पूजा करने के बाद, तो ये रहा कलावा। तो ये सारा सामान जो है वो हर बार पापा दिवाली पे ये सारा सामान पापा ही लाते हैं, तो उनको ही पता है कि क्या क्या चीज़ें पूजा में आएंगी, तो दिवाली पे वही लेके आते हैं।
उसके बाद मैं मेरा काम होता है ये सारी रंगोली बना के भगवान जी का मतलब डेकोरेशन करना, तो ये काम मैंने इतना कर लिया है। और उधर वो निधि बना रही है खाना, खाने का काम उसका है, तो हमारे यहाँ बननी कचौड़ी। बाकी के आप वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको आगे की भी अपडेट मिल जाएगी। अरे शक्ल तो दिखाओ, हाय करो, पहले हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। और उसके अलावा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बोल दिया, दोबारा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस हमारी जो है लगभग तैयारी, पूजा भी हो गई है और शाम मतलब कि शाम होने आ रही है, अंधेरा होने लगा और थोड़ी देर बाद मेरी जो तैयारी है वो कम्प्लीट हो जाएगी। हैप्पी दिवाली आप सब फ्रेंड्स को और सब मेंबर्स को। तो अभी मैं दिवाली के लिए तैयार हो गई हूँ, जो कि अभी हम लोग 8 बजे जाएंगे छत पर पटाखे छुड़ाने और मम्मी ने बाहर डेकोरेशन की है। अपनी ड्रेस दिखा पूरी, और ये है रीति की प्लाजो और सूट। सूट इनका थोड़ा सा लॉन्ग है। आपको मेरी आईज कैसी लग रही है? सही लग रही है। और मेरे शूज। तो फाइनली मैं भी हो गई हूँ रेडी दीपावली के लिए। दीपावली की पूजा करेंगे अब हम सब। तो ये है मेरी बटरफ्लाई वाली साड़ी, जो कि मैंने एक वीडियो में दिखाई थी। इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, इतनी हल्की साड़ी है कि लग ही नहीं रहा कि मैंने मतलब साड़ी पहन रखी है। और मैं वैसे भी भारी साड़ी जो है वो नहीं संभाल पाती हूँ, नहीं कैरी कर पाती हूँ, तो मुझे हल्की साड़ी ही पसंद है। बिल्कुल सिंपल साड़ियाँ होती हैं वही मुझे पसंद आती हैं। तो ये वाली साड़ी आप लोगों ने एक वीडियो में देखी थी, तो पहने हुए आप लोग पहली बार देख रहे हैं। आज मैंने पहली बार ये न्यू साड़ी पहनी है और मैंने इस कलर की बैंगल पहनी है इसके साथ, और ये भी मेरी न्यू बैंगल है। तो कैसी लग रही है मैं, मुझे कमेंट करके बताएं दिवाली के लिए। और रीति को मैंने दिखा दिया, आरव अभी खेल रहा है, वो भी रेडी हो गया है। तो अभी मैं एक एक करके आपको सबसे मिलवाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं पूजा। और ये है मेरे छोटे वाले देवर, जिनने पहना है फेवरेट अपना ब्लैक। हमारे यहाँ घर में सब लोगों को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो ये उनका गेटअप था। और ये है मेरा मंदिर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पूजा करेंगे। ये सेटअप मैंने अभी लगाया हुआ है, बाकी सब लोग तैयार होके अभी आ जाएंगे, उसके बाद पूजा रेडी होगी। और ये है मेरा आरव, जो कि कैमरा देख के भाग रहा, अभी आ नहीं रहा। आ बेटा, ये मेरा आरव का है, वही जो हम लोगों ने ऑनलाइन कुर्ता पजामा मंगाया था। और अब देखो उससे कह रही हूँ मैं, तो कैमरे के आगे नहीं आ रहा, भाग रहा वो। आ गई हमारी मिश्रका रेड प्लाजो में, ये भी इनका ऑनलाइन मंगाया गया था रेड वाला, ये इनकी मम्मी रेड साड़ी। पूजा के लिए रेड कलर तो और भी शुभ होता है, तो कोशिश यही करिए कि रेड और मतलब लाल और पीला ही पहनना। और बस थोड़ी देर बाद सब लोग इकट्ठे होकर पूजा करने। रीति का भी रेड।